स्टूडेंट्स, इस समय मैकेनिक्स टॉपिक में सर्कुलर मोशन चल रहा है इस समय, और सर्कुलर मोशन में हमने दो लेक्चर पढ़ाए भी है, जिसमें कि सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, ओमेगा इज इक्वल टू 2π n, ये सब फिनिश हो गया था। कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कराया था। फिर हमने बताया था कि अगले लेक्चर पर हम लोग पढ़ेंगे अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस प्रकार का मोशन होता है जिसमें कि बॉडी का स्पीड कांस्टेंट होता है। ध्यान देना, स्पीड कांस्टेंट हमने बोला है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता। तो कहोगे क्यों, वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट होता है। नहीं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होता है। अब वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा स्पीड कहलाता है। वेलोसिटी डायरेक्शन में क्या होता है, लगातार चेंज होता है, इसलिए कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी डायरेक्शन में वेरिएबल होता है, उसका स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चूंकि स्पीड कांस्टेंट होता है, इसलिए इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता और एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता। यानी दो प्रकार का बेटा आप जो एक्सेलरेशन पढ़े हो, एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल यानी लीनियर एक्सेलरेशन, वो दोनों ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो कहोगे तब इसमें कौन सा एक्सेलरेशन होता है, अरे इसमें होता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। केवल सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन काम करता है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन सब में काम करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी, क्योंकि बिना सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपेटल फोर्स के कोई बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। ठीक बेटा, तो सच टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सच टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस प्रकार के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। ठीक बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब जीरो होता है। और डायग्राम से देखते हैं, बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, रेडियस आर है, ये ए पॉइंट है और यह है बी पॉइंट। ठीक है, तो बॉडी क्या करें, यहां हम लोग वेलोसिटी देखें, यहां पर वेलोसिटी, तो ये देखो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का। यहां वेलोसिटी देखें तो ये होगा डायरेक्शन वेलोसिटी का। तो देखो तो वेलोसिटी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसलिए कहा जाता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए, इस पॉइंट पर वेलोसिटी वी ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी वी बी का मैग्नीट्यूड वी, देख रहे हो, यानी यहां पे वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहां भी अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो कहेंगे ये सेंटर है। तो पूरे सर्कुलर मोशन में बॉडी का स्पीड क्या बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। और जब बॉडी का स्पीड कांस्टेंट रहेगा, यानी 2 मीटर पर सेकंड से लगातार बॉडी मोशन कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से,
तो उसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ही कहाँ है, कहाँ लीनियर एक्सीलरेशन है, जो अगर लीनियर एक्सीलरेशन होगा ना तो उसकी स्पीड को चेंज कर देगा, और स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब उसमें लीनियर एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है। इस प्रकार का मोशन ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो कहेंगे हियर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू स्पीड, और स्पीड क्या बना हुआ है, कांस्टेंट, देख रहे हो, देन इट बिकम्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया, देखो UCM, इसी प्रकार के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखो कहा जाता है। ठीक बेटा, तो हमने देखो डिफिनेशन भी लिख दिया, सच टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है ना, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। एंड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लीनियर एक्सेलरेशन दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए दैट इज ए टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि वी में कोई चेंजिंग ही नहीं होगा, न्यूमेरिकली ये चेंज ही नहीं हो रहा है, इसलिए वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इसकल टू डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी, ये भी जीरो होगा, क्योंकि जब स्पीड कांस्टेंट है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो ओमेगा में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जब ओमेगा में चेंजिंग नहीं होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, इसलिए अल्फा भी जीरो होता है और ए भी जीरो होता है। तो कहोगे तब इसमें होता कौन सा एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो ये तो दोनों एक्सेलरेशन जीरो हो गए, तो कहोगे तब होता कौन सा एक्सेलरेशन है, तो वह एक्सेलरेशन होता है बेटा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब कहोगे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, जो एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है, रेडियस के अलांग लगता है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ही सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और सेंट्रीपेटल बिना सेंट्रीपेटल फोर्स के कोई बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। इसलिए हम नेक्स्ट हेडिंग लिखने जा रहे हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन, वो रेडियस के अलांग होता है, सेंटर की तरफ होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल
एक्सेलरेशन। तो कुछ सेंटीपेडल एक्सेलरेशन को हम लोग इस तरह से ए सी से इंडिकेट कर सकते हैं, टेंशन एक्सेलरेशन को ए टी कहते थे, तो इसको देखो ए यहां छोटा सा सी लिख दो, मतलब ये हो गया सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ होता है। इट्स डायरेक्शन विल बी ऑलवेज towards center of circular motion। इसका direction हमेशा circular motion के center की तरफ हमेशा होता है। जैसे एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से, बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो बॉडी कहीं भी रहे, जैसे बॉडी यहां पर हो, पार्टिकल यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देख रहे हो हमेशा सेंटर की तरफ होता है। सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन ही सेंट्रिपेटल होता है। देखो ये यहां आएगा तो डायरेक्शन अब इधर हो जाएगा, यानी देखा जाए तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है लेकिन डायरेक्शन में ये भी चेंज हो रहा है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट नहीं कह सकते, न्यूमेरिकली कांस्टेंट कह सकते हैं। फिर जब यहां आएगा बॉडी तो ये डायरेक्शन इधर हो गया, तो देख लो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन हमेशा रेडियस के अलांग होता है। Therefore, centripetal acceleration is also known as radial acceleration। ये centripetal acceleration का direction है, हमेशा center की तरफ। यही centripetal force भी provide कराता है, हमेशा center की तरफ ये होगा centripetal acceleration। Centripetal acceleration अगर इसका radius r है तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर अपान r। अभी फॉर्मूला बताते हैं कैसे फॉर्मूला आता है, अभी हम बताते हैं, बस अभी ये जानो कि सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r होता है। अच्छा इसी में अगर मास से मल्टीप्लाई कर दो ना, मास से, तो हो जाएगा mv स्क्वायर अपान r, जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन नहीं वो सेंट्रिपेटल फोर्स कहलाएगा। तो बेटा सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपान r, सब लोग जानते हैं। तो इसी में मास से देखो मल्टीप्लाई करने पे सेंट्रिपेटल फोर्स आ जाता है। या एक और इसका फॉर्मूला होता है देखो आर ओमेगा स्क्वायर। तो यह है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एल टी माइनस टू, इसको बोलते हैं सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। ऑलवेज ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन एलॉन्ग एलॉन्ग रेडियस, एलॉन्ग रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के रेडियस के अलॉन्ग होगा। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन। इसको
रेडियल एसलेशन भी कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल यही एसलेशन होता है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल भी यानी लीनियर एसलेशन भी होता है, एंगुलर एसलेशन भी होता है और सेंट्रिपेटल, तीनों होते हैं। और यूनिफॉर्म में केवल यही एसलेशन होता है, ठीक है। आओ थोड़ा सा देखते हैं ये फॉर्मूला डेवलप कैसे हुआ, उसे क्लियर होगा कि ये एसलेशन सेंटर की तरफ लगता है और ये सेंट्रिपेटल एसलेशन प्रोवाइड करता है। अगेन जैसे बॉडी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, इधर यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, इधर यूनिट वेक्टर होगा जे कैप, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, यहां पर एक पार्टिकल पी पार्टिकल हम लोग मान लें जिसका मास एम है, पी पार्टिकल मास एम है, और इसका यहां से हम लोग देखें पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर, ये भाई रेडियस है ना, तो ये आर वेक्टर होगा, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो सेंटर से अवे मास की तरफ होगा। यहां एक पार्टिकल है पी इस पार्टिकल जिसका मास एम है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये बॉडी ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका देखो यह है आर इज पोजिशन वेक्टर, आर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल पी ऑन द सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बॉडी कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो पी उसका पी पॉइंट पर पोजिशन वेक्टर हमने आर मान लिया, है ना। आर का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो लेट अ पार्टिकल पी ऑन द पाथ पाथ ऑफ सर्कुलर मोशन एंड इट्स पोजिशन वेक्टर इज आर। पोजिशन वेक्टर का डायरेक्शन किधर है बताओ, सेंटर से अवे है, ठीक बेटा। तो आओ इसका पोजिशन वेक्टर लिखते हैं, ये एंगल थीटा है, इसको यहां ड्रा कर दें, इसको यहां ड्रा कर दें, और ये लेंथ आर है, ये रेडियस आर है ना। तो इधर इसका जो आर का कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा देखो आर कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा आर साइन थीटा। तो पोजीशन वेक्टर को अगर लिखना है ना तो इसको इसका और इसका सम कर दो, तो हो जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। तो इसका वेक्टर और इसका वेक्टर का सम ये आर वेक्टर हो जाएगा, इसलिए उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो आर होगा, आर देखो इसका आर कॉस थीटा को वेक्टर बदल लो, आर साइन थीटा को वेक्टर बदल के सम कर दो, तो पैलोग्राम मेथड कहता है कि दोनों का सम यही होगा। तो हो जाएगा देखो आर कॉस थीटा, अब वेक्टर बदलने के लिए देखो आई कैप हमने लिख दिया, आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस आर साइन थीटा जे कैप। बट ये भी हम लोग जानते हैं कि थीटा बराबर होता है ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो आर इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा आर कॉस ओमेगा टी आई कैप
प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक बेटा, अब क्या करो, इसका वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करो, मतलब इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डी आर बाई डी टी, इसको हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कास का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस साइन, और चूंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन ओमेगा भी है तो यह आ जाएगा देखो माइनस आर ओमेगा कास का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा साइन का डिफरेंशिएशन कास ओमेगा टी जे कैप। तो यहां से आ गया वी इज इक्वल टू माइनस या आर ओमेगा केवल कॉमन ले लो, आर ओमेगा कॉमन हो गया तो यहां से बच गया माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये आ गया वेलोसिटी, देखो आर ओमेगा कॉमन हो गया, चलो ठीक। और फिर इसको डिफरेंशिएट करो जिससे एक्सेलरेशन आ जाए, एक्सेलरेशन तो हो जाएगा डी वी बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन आर ओमेगा ये बाहर पड़ा रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करो तो हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी आई कैप, और या इसका हो जाएगा ओमेगा का कास का माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। कास का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना, और साइन का कास होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा कर दो बाहर, माइनस भी बाहर कर दो, माइनस ओमेगा बाहर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बाहर कर दो, इस आर को अंदर ले जाओ तो हो जाएगा आर कॉस ओमेगा टी आई कैप, माइनस कॉमन हो चुका है इसलिए प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। अब तो इतने को देखो, ये देखो ये वैल्यू क्या है, आर है कि नहीं, तो ये वैल्यू आर वेक्टर हो जाएगा ये। तो इस तरह से जो एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल पी, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर आ गया। अब तुम देखो, खुद ही देखो, खुद देख लो कि मतलब ये जो एक्सेलरेशन आया ये ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर आया, और आर वेक्टर का डायरेक्शन ओरिजिन से सेंटर से अवे इधर है, और ये क्या आया माइनस आया, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के जस्ट अपोजिट होगा, मतलब ये पोजीशन वेक्टर इधर है तो ये एक्सेलरेशन इधर काम करेगा, अपोजिट इसके पोजीशन वेक्टर के, जो किधर काम करेगा सेंटर की तरफ, इसलिए बेटा ये क्या हो गया सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। अब न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे तो आर ओमेगा स्क्वायर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड आर होगा, दैट इज दिस एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है विल बी टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का सेंटर, दैट इज ये कौन सा एक्सेलरेशन हो गया सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, इसी को सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हम लोग कहेंगे। इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होगा सेंटर की तरफ। इसलिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखो
आर ओ में न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे तो माइनस छोड़ दो, आई इसका वेक्टर लिख लो, तो आर ओमेगा स्क्वायर। और सब लोग जानते हो कि v बराबर r ओमेगा होता है, तो ओमेगा इसका तो लिख दो v अपान r, तो हो जाएगा v स्क्वायर अपान r स्क्वायर, एक r r कट जाएगा, तो आ जाएगा v स्क्वायर अपान r। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहेंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा किसके तरफ होता है, सेंटर के तरफ होता है, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक बेटा, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का। तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर मोशन के सेंटर के तरफ होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन काम करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं। लेकिन बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तीनों एक्सेलरेशन एक साथ काम करता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो। ठीक, अब हम लोग आज के लेक्चर में हमने इतना कांसेप्ट बता दिया, अब अगले लेक्चर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कांसेप्ट और आगे हम बढ़ाएंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होते हैं उनको बताया जाएगा, फिर सेंट्रिपेटल फोर्स पढ़ा जाएगा, और सेंट्रिपेटल फोर्स पढ़ने के बाद से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तीनों एक्सेलरेशन एक साथ वर्क करते हैं, इसलिए टोटल एक्सेलरेशन भी पूछा जाता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टोटल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन बॉडी का कितना है, यह भी बेटा पूछता है। ठीक बेटा, तो अगले टर्न पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।